वार्ड नंबर 21 बेतिहाता दक्षिणी स्थित दुर्गा मंदिर के पास सड़क निर्माण और जल भराव की समस्या के निदान के लिए स्थानीय पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी गुरुवार को बारिश के पानी में धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और चीफ इंजीनियर सुरेश चंद समस्या के निदान का आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी तथा नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद ने कहा, आ जाऊंगा तो बात मान लेंगे, आ जाऊंगा तो बात मान लेंगे। नगर आयुक्त, मैं नगर मजिस्ट्रेट हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ आ जाऊंगा तो बात बन जाए तो आ जाओ, अगर आने से बात बन जाए तो आ जाओ। अरे मैं बात कर करा दूंगा, मैं सक्षम हूँ कराने के लिए। चलिए जूम करके नहीं बना सकते, कितना जूम करो यार, मोबाइल से बना जूम करने में तुम कैमरा नहीं बना पा रहे हो। आपकी सारी बातें मैं उन तक पहुँचाऊँ, सारी बातें मैं खुद मिल के पहुँचाऊँगा, आप चाहें तो चेक करा सकते हैं। आपकी बात सही है, आपको और जगह जाना है, आप जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो नहीं आ रहे हैं ना, बताइए आप यहाँ तक चल गए। जिम्मेदार नहीं, मुझे नहीं, आप बिल्कुल आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन जो इस समस्या उनको आना चाहिए ना, शहर के सबसे जिम्मेदार। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं, यह मामला नगर निगम से निर्माण का है, जो निर्माण के जिम्मेदार लोग हैं, जो कि कहा जाता है नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर, वो वहाँ से आके भाग गए। आप बताइए, करने के बता दे रहा हूँ जी, सारे जाँच मैं ही करूँगा। सर आप जांच करेंगे, आप क्वालिटी की जांच करेंगे, भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, सड़क कौन बनाएगा, ये सरकारी आप के रखी हुई है, जो पिछले एक साल से टेंडर नहीं निकाल रहे। सर आप नगर निगम के बारे में मैं 365 दिन 4 साल से वहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क के लिए, और 4 साल से मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, मैं उस आश्वासन को इस जनता को दे रहा हूँ, जनता मुझे कहती पार्षद आप कब तक झूठ बोलेंगे, शहर के सिटी मजिस्ट्रेट है, आप भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ नहीं आएंगे तो बात कैसे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी गंभीरता को जान रहा हूँ, और जिला प्रशासन उसमें कितनी गंभीरता से लगा हुआ ये भी पूरा सारे लोग जान रहे हैं। मैं 2 मिनट बता दूँ चीजें, ये मामला बहुत गंभीर में समझ में आ रहा है मुझे, हाँ, पर इससे ज्यादा गंभीर चीजें सब चल रही है। जैसे अभी मैं आपके पास खड़ा हूँ ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है हमारी टीम देख रही है, हम लोग देख रहे हैं, जानते हो, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में भी जान रहा हूँ, ऑक्सीजन जिसके साथ चुकी है, यहाँ 3 प्लांट चालू हो चुके हैं, लगभग शहर में ऑक्सीजन की सप्लाई आप लोगों के वजह से प्रॉपर चल रही है। पर एक बात समझिए, तो क्या बता रहा हूँ, मैं बताने नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझिए, जैसे मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ इस काम के लिए, तो जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट, एक बेसिक बात बताइए, एक बेसिक सर बता दीजिएगा, ये बच्चे आगे खड़े हैं, छोटे साल बच्चे हैं, देखिए कितने लोग मास्क लगाए कैसे खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, सब लोग सुने, माइनर है, जितने महिलाएं के घर में चली जाए, सब लोग सुने, पढ़ने वाले वाली है, पिछड़ी वाले वाली है, आपके नोट तो आज नहीं, उनको पता टेंडर होगा, टेंडर पड़ेगा, टेंडर ओपन होगा, लगेगा, एक काम होगा, अभी कोरोना का काम रुके हुए हैं, वो आश्वस्त कर देना, आखिर पानी आदमी कहाँ नहीं जाएगा, आश्वस्त मैं कर रहा हूँ, मुझे लिखने में कर रहा हूँ आपको, मेरी बात की वैल्यू है, आपके पास की बिल्कुल वैल्यू है, ये सब आपको देखने आए थे लोग, इतने लोग आमतौर पर खड़े होते हैं लोग, अभी खड़े हुए हैं, क्या पता यहाँ की समस्या से पीड़ित है, पिछले 7 सालों से पीड़ित है, आप उनकी पीड़ा को भी तो समझिए, रोड बनाना ज्यादा जरूरी, कोरोना बचाना, कोरोना से जाते 7 दिन लगता मरने में आदमी को, 7 दिन भी नहीं लगता, खुद आया हूँ यहाँ पर, जुम्मेदार सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जब आश्वासन आपको दे दिया, तो आश्वासन 4 साल से मुझे नगर निगम से भी मिल रहा है,
मैं आश्वासन फिलहाल मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मेरा भी अगर आश्वासन की बात आप कर रहे हैं, मेरा भी कहना है कि समय सही नहीं था बैठने का, समय सही नहीं था। समय मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल पैदा किया है। अगर देखिए इस पे आप एडमिट है, अगर इस पे आप एकदम जिद्दी बने हुए हैं कि नहीं नगर आयुक्त को बुला के यहाँ बात होगी, तो नगर आयुक्त मैं हर मामले में बुला पाऊंगा। ऐसे नहीं है आप यहाँ बैठे हैं, कल कोई और कहीं बैठ जाए, कल कोई और, नगर आयुक्त काम यह नहीं है। नगर आयुक्त जनता ने अपने समस्याओं के लिए सर हमको चुना है। मैं एक इलेक्टेड बॉडी हूँ और मुझे ऐसी समस्या आईएसआईपीएस की परीक्षा पास करके आए हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है तो आप बताइए जिम्मेदारी किसकी है। मैंने कहा बिल्कुल आपका अधिकार, आप बैठ सकते हैं, मैंने एक बार मना नहीं किया, पर समय सही नहीं मैंने आपसे ये कहा। मैंने सवाल पूरी बात नहीं सुना है, सुनिए मेरी बात। अगर कोरोना नहीं होता दो महीने में आदमी बुला, एक महीने में खत्म कर लूँ, मैं कंसर्न विभाग के आदमी बुला दे रहा हूँ। ये आदमी देखता है आपसे जो आश्वासन होता है, पर अभी मैं सुनिए, क्योंकि मैं खुद एक काम छोड़ गया, उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी और आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अधिकार बता दूं पहले, कोई भी धरना प्रदर्शन कोई शहर में होगा, पूरे शहर में धरना प्रदर्शन कोई बैठा रहेगा, कोई छोटा सा कुछ भी होगा, उसके लिए नगर मजिस्ट्रेट या अधिकृत मैं ही जाऊंगा, किसी विभाग का भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ऐसे नहीं आ जाऊंगा। एक सेकंड मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सर 2 साल से कोरोना का माहौल चल रहा है, क्या इस जनपद में 2 साल में कोई कामों की वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है? आप मुझे जवाब देंगे? किसी निर्माण के काम की वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है? फाइनेंशियल वो नहीं हुआ है? हुआ तो फिर इस काम का क्यों हो रहा? पिछले 10 साल से जब ये सभासद नहीं थे, पिछले 10 साल से ये इलाका जो है ना बहुत सालों से उपेक्षित चला रहा है और इसको कोई पूछता ही नहीं है। सर ये मेन लाइन है पूरा आजाद चौक से उधर जाने का, मेन लाइन है ये। जिम्मेदार अधिकारी बुला दिया गया, जिम्मेदार अधिकारी है और बाकी सब लोग हैं। इस निर्माण के जिम्मेदार अधिकारी श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय। सिर्फ इस नाली को मत समझिए सर, ये पूरा एरिया इससे अफेक्टेड है। जब तक न बनेगी तब तक नहीं, जब मैं कह रहा हूँ आपको आश्वासन दे रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आपका दीजिए हो। एक मिनट आप बोलिए, नगर निगम उसको बुला दे रहा हूँ। नगर आयुक्त बिहार पे बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। चलिए आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आपकी, मैं अपनी बात रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आपकी बात रिकॉर्ड होने की बात है। ठीक है, तो पहले मैं उनको बुला दे रहा हूँ। दूसरी बात जो कह रहे हैं वित्तीय स्वीकृति देने की, ठीक है एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ। 2.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट गया हुआ है शासन में, इसके लिए माननीय महापौर महोदय ने ऊपर बात भी कर ली है। ठीक है एक सेकंड, पहले मैं खत्म कर लूँ, पहले खत्म कर लूँ। बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए थी, हवा में ना रहे बातें, हवा में ना रहे, आप रिकॉर्ड कर ही रहे होंगे। कर लो 2.5 करोड़ रुपए की है, ऊपर शासन में गया है, माननीय महापौर महोदय ने बात कर ली है, वहाँ से क्योंकि तुरंत कामयाब शुरू हो जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरी जानकारी में है, मैं नगर में बुला दे रहा हूँ। ठीक है ये कहा कि दो चीज़ में कर दे रहा हूँ, इससे अगर चाह रहे हैं कि नहीं मेरी साइन से हो जाए, तुरंत की साइन से तो नहीं। जैसे आपने बताया था कि वो नाला जो डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पे, पानी नहीं लगा है, उसके बगल वाले पानी नहीं लगा है, पीछे वाले पानी नहीं लगा है, तो आप नाले और डाइवर्जन पे मत जाइए। पहले सुन लीजिए, निर्माण करेंगे आखिर उस सड़क पे, क्यों आप 42 लाख का एस्टिमेट बना हुआ, 22-23 लाख वो बना हुआ है मुख्यमंत्री के शहर में, और जो वार्ड आपको 10-15 करोड़ का रेवेन्यू देता हो टैक्स के रूप में, ज्यादा वार्ड आप समझिएगा, मैं कहाँ से बात उठाने जा रहा हूँ। आप उस वार्ड में अगर 70 लाख रुपये नहीं दे सकते हैं तो फिर आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। 4th साल है, आप कह दीजिए कि मैं इसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रहा हूँ, मैं उठ ले रहा हूँ, मैं समाधान ये ऊंचा ये ऊंचा होगा तो गली में पानी लगेगा, इसी बात मैंने कहा। अरे तो बात तो सुनने के लिए गली के साथ इसके साथ साथ गलियों का होना इसलिए जरूरी है कि ये वजह गली पानी भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सरकार कलेक्ट करके एस्टीमेट जो है मेरे हिसाब से सामने रख देते हैं, ये भी 15 मिनट या 20 मिनट का बच्चे का क्या मतलब है, बच्चे का पैसा होगा ना, पैसा होगा इसी तरह आ जाएगा फिर आप आ गए। अरे ये तो सब जानते आप मेयर साहब के आप ज्यादा साथ रहते हैं। बिल्कुल सर, मेयर साहब हेड है और इनके पास भी और श्रीमान नगर आयुक्त महोदय के पास भी बहुत सी पावर है,
कि वो चाहेंगे तो इस काम को अति आवश्यक के कारण वित्तीय स्थिति मिल सकती है। फिर बात को जैसे घुमा रहे हैं, अरे ये क्रम करिए तो सही दरवाजे को ज्यादा तो हमको बड़ी आत्म पीड़ा होती है। अब इनके इंजीनियर साहब ने कह दिया वो जीएसटी गली में डलवाजी का लेबल एक साथ हो ना, तरह से ऊंचा करा दिए। अब जो बात हुई सदन में उठाइए गए यहाँ पे सर हम लोग की मजबूरी है तो आज हम लोग इतना निकल आप ही बैठे हो तो आप खड़े हमने मना किया तुरंत बैठे जाएंगे हम लोग। नहीं तो कह तो दिया दुकान में कौन जाएगा बताइए। आज चूंकि पिछले लगभग 4 वर्ष मुझे पार्षद निर्वाचित हुए हो गया, मैं लगातार नगर निगम प्रशासन और महापौर से इस सड़क के बनाने की मांग कर रहा था। चूंकि यहाँ पिछले 7 सालों से 3 से 4 फुट पानी लगता है, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग अपने घर से निकल नहीं पाते हैं, निकलते हुए तो उस पानी में गिरते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। तो चूंकि मैं लगातार नगर निगम प्रशासन से मांग कर रहा था, ये लोग उस बातों को सुन नहीं रहे थे। चूंकि जनहित का मामला है और जनता परेशान है तो जनता की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, और ये चूंकि 7 साल से लगातार इनका आश्वासन सिर्फ आश्वासन आश्वासन था, मुझे आज जनता के दुख को देखते हुए मुझे धरने पर बैठना पड़ा। आज यहाँ चीफ इंजीनियर महोदय आए हुए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए हुए हैं, दोनों ने कहा है कि तत्काल इस सड़क पे इसको ऊंचा करके GSB डाल दिया जाएगा, और जैसे ही पैसा आ रहा है 1-2 महीने में उस पैसे से इस रोड को CC करा देंगे, 5 गलियाँ और ये दुर्गा मंदिर से लेकर फल मंडी तक। सर हमेशा यहाँ पे पानी भर जाता है। जी जी पानी तो सड़क जब आप इसके बगल अगल बगल भी 3 सड़क देख रहे हैं, उन 3 सड़क पे आखिर पानी क्यों नहीं लगा है? अगर ये सड़क ऊंची हो गई रहती तो इस पे भी पानी नहीं लगता, 7 साल जनता परेशान नहीं होती। और फिलहाल आज नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि इसको जो 1-2 महीने में पहले GSB डाल के फिर इसको CC करके सड़क को कम्प्लीट कर देंगे। ये असल में पानी भरा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, और नाले भी पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये गली थोड़ी नीची है। पार्षद जी का मांग ये है कि इस गली को ऊंचा करके CC की बनाई जाए। CC के इसलिए क्योंकि पानी भरता है इसमें, इसके अलावा 4 गलियां अंदर और हैं, उनको 5 गलियां उनमें भी पानी भर जाता है जब पानी ज़्यादा आता है इसमें, तो उनको भी थोड़ा ऊंचा किया जाए। तो बात ये हुई है कि जैसे कि फिलहाल कुछ नहीं हो सकता है तो मलवा डल के इसको ऊंचा कर दिया जाए, प्लस इसके ऊपर GSP डल जाए यहाँ से लेकर के मंडी फल मंडी चौकी तक, ठीक है? तो ये वाला काम तो हमने कहा है कि जल्दी करा देंगे, जल्दी का मतलब विद इन ए मंथ हम करा देंगे, और बाकी का हम एस्टीमेट चेक कर लेंगे, क्योंकि जब इसमें GSP डाल देंगे तो एस्टीमेट कम हो जाएगा, उसके हिसाब से सेंशन करा करके बाकी काम आगे कराएंगे।